नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 44 में एक सहस्वामी द्वारा अंतरण के बारे में बताया गया, जिसमें कहा गया कि किसी संपत्ति का सहस्वामी जो कई व्यक्तियों में से एक है अपनी संपत्ति का अंतरण करता है, अपनी भूमि का अंतरण करता है, तो उस अंतरती को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो संयुक्त कब्जा दखल का सहस्वामी ने अपने हिस्से का संपत्ति का अंतरण किया है, उस अंतरती को वही अधिकार प्राप्त होंगे। यदि स्वस्वामी ने संयुक्त कब्जा दखल में उस संपत्ति पर कोई भार आरोपित है तो उस अंतरती को उस भार का भी प्रभाव पड़ेगा। इसका अपवाद यह है कि यदि वह कुटुंब की संपत्ति है, मकान है, तो वह स्वस्वामी अपने परिवार के सदस्यों के अलावा, अपने कुटुंब के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बिना विभाजन कराए उस संपत्ति का या अंतरण करता है तो उस परिवार की विपदगी होगी, किसी अन्य व्यक्ति के उस संयुक्त कब्जा दखल मकान में प्रवेश करने से। इसलिए सेक्शन 44 में भूमि का तो अंतरण किया जा सकता है, पर मकान का अंतरण उस कुटुंब के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।